नई जिंदगी। साईनाथ नगर भागात गोरगरीब लोक पत्र्याचे शेड टाकून राहतात। वाऱ्यामुळे या रहिवाशांच्या घरावरचे पत्रे उडून गेले, अनेक जण बेघर झाले, घरातील साहित्याचे मोठे नुकसान झाले। लोक हसाडसा रडून आपली व्यथा सांगत आहे। दरम्यान आज रोजी नगरसेवक तौफिक शेख व युवा नेते अबुबकर सैयद यांनी परिसरातील वादळी वाऱ्याने व पावसामुळे नुकसान झालेल्या घरांची पाहणी केली। यावेळी या भागातील नागरिकांनी संबंधित वादळी वाऱ्याने व पावसामुळे नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे। क्या हुआ कल बारिश आने के बाद, क्या हुआ आपको घर को नुकसान हुआ? काम हुआ था। उनकी बेटी का खाना, कपड़े, फ्रिज, कूलर, काय नवे अमुक तमुक सब नुकसान। जान की परेशानी, पत्थर पड़ते, गाँव पत्रे पड़ते, बेचैन बेचैन एकदम हलचल हुई थी। जान जाने की पहले थी वैसा होगा बैठा देखो। ये सब नुकसान बारिश की वजह से हुआ? पत्रे उड़े घर के? पत्रे उड़े, कहाँ गए पता भी नहीं पत्रे का। तो आपकी मांगनी क्या है? आप क्या मांगनी क्या है? वार्ड नंबर 3 में यहाँ पर 3 से 4 घरों का बारिश की वजह से नुकसान हुआ। तो यहाँ के लोग जो है गरीब और कर खाने वाले लोग है। तो यहाँ पर ऐसा तूफानी बारिश आया और हवा आई तो इनके पूरे पत्रे उड़े, घर के अंदर पानी आया, सामान का नुकसान हुआ, अनाज का नुकसान हुआ। तो मैं महानगर पालिका प्रशासन से गुजारिश करता हूं और जिला परिषद के तहसीलदार साहब हो या जो आपातकालीन जो मदद करते हैं शासन की तरफ से, हमारे यहां के प्रभाग 21 के ये रहवासी है, नागरिक है, मतदार हमारे बहने हैं। तो हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि इस गौर फिक्र कर कर इनकी आर्थिक मदद करें। और जो पुरुषियर है, पुरुषियर की तरफ से हम अर्ज देंगे तो इसकी छाननी करना, इसका सर्वे करना और ज़रूरतमंदों को जो इनका हक है, इनका न्याय है, वो मिलना। ऐसी मैं और अबूबकर सैयद और यहाँ के जो तमाम कार्यकर्ता जानिब से ऐसी हमारी गुजारिश है कि ज़रूरतमंदों को इनका हक मिलना, इनका न्याय मिलना। तो इंशाल्लाह जो पुरुषियर है जो अर्ज देने का वो हम करेंगे। और प्रशासन से फिर से एक बार मेरी गुजारिश है कि इसका जो बारिश का जो आपातकालीन जो आर्थिक मदद होती है उसके अंदर से इन लोगों की मदद